नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। आप और आपके परिवार को नवरात्रि के प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आपके परिवार को यश और सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करें। कुशल गृहिणी में मैं लेकर आ रही हूँ नवरात्रि व्रत के 9 रेसिपीज की श्रृंखला, जो खाने में हेल्दी तो होती हैं और साथ ही पूरे दिन व्रत के दिन आपको एनर्जी भी देंगी। अगले 9 दिन 9 नवरात्रि के व्रत की रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और शेयर भी करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं बनाऊंगी मखाने की खीर। मैंने गैस ऑन कर ली है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी डालूंगी और पैन को और घी को अच्छी तरह गर्म होने दूंगी। अब जो मेरे पास नट्स हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हैं उनको हल्का रोस्ट कर लीजिए ताकि उसका स्वाद जो अच्छा आए। अब जो बचा हुआ घी है उसमें मैं 2 कप मखाने डालकर उनको भी रोस्ट कर लूँगी। इनको अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से चेक करके देख लीजिए, ये अच्छी तरह देखिए रोस्ट हो चुके हैं। अब इसमें से कुछ पार्ट लेकर मैं मखाने लेकर इसको ग्राइंड कर लूँगी। इसका एक बारीक चूरा बना लेंगे। ये देखिए दूध 2 कप फुल कप दूध डालेंगे इसमें मखानों में, इस तरीके से इसको दूध डाल के हल्का सा चला लेंगे और एक उबाल आने तक। अब जो मैंने ग्राइंड किया है मखाना उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे ताकि जो हमारी मखाने की खीर है वो गाढ़ी बन सके। अब इसमें हल्का सा केसर डाल लेंगे और उसको चला लेंगे। अब इसको एक हल्का सा उबाल आने देंगे और चलाते रहेंगे ताकि उसमें तला ना लगे। देखिए उबाल आ गया है। अब इसमें स्वाद अनुसार आप चीनी ऐड कर लेंगे। मैंने 4 चम्मच चीनी का भूरा ऐड किया है। आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर कम खाते हैं तो कम डालिए। और इसको अच्छी तरह हिलाते रहिए ताकि ये तले ना लगे। अब जो रोस्ट हुआ किए हुए मेरे बादाम वगैरह हैं, नट्स हैं, उसको मैं इसमें मिला लूँगी और 1-2 मिनट तक चलाती रहूँगी ताकि वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखिए हमारी मखाने की खीर बनके तैयार हो रही है। इसको चलाते रहेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, हमारी मखाने की खीर शानदार तरीके से तैयार हो चुकी है बनके। अब जो बचे हुए नट्स थे उससे मैं इनको गार्निश कर लूँगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी मखाने की खीर। थैंक यू।